आदि मित्रों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। जैसा कि आप देखिए, स्टार्टिंग में भजन कीर्तन चल रहा है। गणपति बप्पा का आखिरी दिन है और हम सब फिर से, मतलब ये था कि अब अगले साल का इंतज़ार करने वाले हैं, एक साल फिर इंतज़ार करने वाले हैं बप्पा का। तो भजन कीर्तन हो रहा था और मन थोड़ा सा ये भी था कि अब कल बप्पा चले जाएंगे। तो आज हमारी सोसाइटी में भजन कीर्तन हो रहा था और साथ ही साथ आज भंडारे का भी प्रोग्राम था। तो सही बताऊँ, 9 दिन 10 दिन जो रहता है ना, कैसे पता नहीं चलता कैसे बीत गया। क्योंकि सुबह सुबह उठो, जल्दी जल्दी नहाओ धो, घर का काम निपटाओ, 10 बजे तक पंडाल पहुँच जाते थे सुबह सुबह। फिर शाम का टाइम आता था, जल्दी जल्दी सारे काम, घर के खाना पीना निपटा कर फिर पंडाल में बैठ जाते थे। रात के 10 बजे तक यहाँ भजन कीर्तन चलता था, तो एक रूटीन बन जाता है ना। तो फिर जब बप्पा जब जाते हैं ना, इतना सोना हो जाता है, 2-3 दिन तक तो बहुत सोनापन लगता है। पर क्या करें, फिर अगले साल का इंतजार रहता है। इसी के साथ देखिए, आरती वारती हो रही है। अब आरती होने के बाद फिर भंडारा का जो कार्यक्रम है वो चालू होगा। और आज सारे कॉलोनी वाले जितने भी हैं, सारे कॉलोनी वाले मिलके अब आज प्रसाद ग्रहण करेंगे भंडारे का। और बहुत अच्छा लगता है, सही बताऊँ, इस बीच में ऐसा लगता है ना कि सारे कॉलोनी वाले एक परिवार की तरह हम पूजा पाठ करते हैं और एक साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ऐसा तो डेली हर किसी से मिलना होता नहीं है, यही एक ऐसा ओकेशन होता है, ऐसी गैदरिंग होती है जिसके कारण हम सब मिलते हैं और इकट्ठे होते हैं। पीहू देखो मेरे गोद में आ गई थी। और ये देखिए, ये भंडारे का जो है चल रहा था, हम बैठ चुके थे, अब बस हमारा नंबर आ गया था। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, हवन होना था क्योंकि हवन के बाद फिर गणपति बप्पा को विदा करेंगे। तो पंडित जी आ चुके थे, हवन की सारी तैयारी कर रहे थे और बस अब हवन होगा। और जोड़े से जो जिनके जिनके जोड़े थे वो जोड़े से बैठ रहे थे। तो यहाँ ये सारी हमारे सोसाइटी की हैं, सब जोड़े से बैठ रहे थे हवन पे। तो ये आपकी इच्छा है, जो बैठना चाहे यहाँ पे जोड़े से वो बैठ सकता है। तो इस तरीके से हवन का सारा जो है सारा काम हुआ और हम सब ने भी हवन में पार्टिसिपेट किया, हम सब ने हवन में आहुति दी। और बहुत अच्छा लगता है, ये पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है ना, एक दूसरे से कनेक्ट करने का बहुत अच्छा जरिया होता है। और बप्पा देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, अब बस विदा होने वाले हैं। थोड़ा सा मन तो भारी हो रहा था कि बप्पा आप चले जाएंगे यहाँ से, पर वही अगले साल फिर इंतजार रहेगा उनका। तो ये देखिए, हवन जो है हो चुका है, पूरी जितना भी था सबने आहुति दे दी। और अब बस सब भोग वोग लगाने के बाद अब ले जाने की तैयारी हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे साथ। तो ये देखिए, बप्पा को ना 56 भोग लगा था। बहुत अच्छा लगता है ये 56 भोग, पान 56 भोग, उनका पान तो प्रिय है, पान भी बहुत जरूरी होता है। और अब बस ये देखिए, पप्पा जी जो है जा रहे हैं। और मौसम इतना अच्छा हो गया था ना, और रेनी वाला जो डे था ना, आज हो गया हमारा। हवन हवन जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद इतने काले बादल आ गए और बारिश चालू हो गई। और बस हमने ना बरसात में भीगते हुए पप्पा को विदा किया है और बहुत अच्छा लगा। और ढोल वाले भी आ गए थे, बहुत अच्छा लगा। सब खूब जम के डांस किए सब किए। और पीयू भी जो थी ना, वो भी थोड़ा दुखी हो रही थी, मम्मा पापा चले जाएंगे। पहले तो इंतज़ार था कि कब आएंगे, अब देखे जा रहे हैं तो बस उनका आखिरी दर्शन कर रहे हैं। और ये पीयू देखिए ब्लैक टॉप में पीयू जा रही, मैंने बोला जाके उनके पैर छू लो, आशीर्वाद ले लो। और पीयू भी देखो, सारे लोग थे ना, तो वो पीयू का ना क्लिप नहीं आ पाया ढंग से। Thank you.
सो फ्रेंड्स, बस अब गणपति बप्पा की विदाई के साथ मैं भी अपने ब्लॉग में विदाई लेना चाहूँगी। और देखिए कितना मतलब बारिश हो रहा था, छाता ले लेकर हम सब यहाँ खड़े थे और बहुत अच्छा लग रहा था सही बताऊँ। और चलो अब अगले साल फिर बप्पा आएंगे, फिर दिल खोलकर सेवा करेंगे। बहुत सेवा किया हमने सुबह शाम। और देखिए गाड़ी ख़राब हुई थी कॉलोनी के गेट पे, तो फिर दूसरी गाड़ी आई है, फिर बप्पा को शिफ्ट किए दूसरी गाड़ी में और फिर लेकर गए। बप्पा भी हमारी कॉलोनी से जाना नहीं चाह रहे थे, उन्हें इतना यहाँ प्यार मिला है, इतना खिलाए पिलाए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। चलो अभी ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।